सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चंगुल में। विश्व रूप के बल पावन अंगुल में सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में रह गए समाकर विश्व रूप केवल बाबन ही अंगुल में तन पर वो पीतांबर न रहा छोटा सा पीला कम्बल है वो शंख नहीं वो चक्र नहीं हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए सीधी तुलसी की माला है ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। बड़ा अच्छा स्वरूप बहुत प्यारे भगवान महाराज गुरु बृहस्पति जी गुरु बने और जन्म को दीदी जू तो लागत नाई विकारी रे बारो छोड़ के आ तो मर गई जग मातारी रे ताई के गम में दीदी हुई हमें जो जन्म को बैरागी ना लगी रहो तो भैया भगवान आगे बढ़े और जब राजा बलि के द्वारे के लिए पहुंचे तो पुरवासी कहने लगे महाराज साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ पूरन इच्छा हो न खाली आतन वहां से आओ दया धर्म की खान धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। आप जाए के देखो धन दौलत तो छोड़ो महाराज वो अपनी जान भी दे सकता है।
तो जवाब दो भगवान ने के प्रवासियों, हमने कछु मांगो तो मैं राजा ने नहीं दे पाऊ तो का होवेगो। तो प्रवासी बोले तुम पहुंचो तो महाराज तुमने ऐसो राजा अपनी जिंदगी में नहीं देखो, ये पहुंच जाओ। तो राजा बलि के द्वार पे भगवान जब पहुंचे, राजा बलि गद्दी से नीचे उतरा, आइए भगवान बड़े दिनों में आए हो, यहाँ मुझे लगता है कि संत आते ही रहे, मैं उनकी सेवा कर सकूं। चरण धोकर के चुनामित लिया और गद्दी पर बिठा लिया। हम कुछ मांगे वे को आए हैं। भगवान की बात सुन के राजा बलि बोले, प्रभु भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे, ये देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर है, मांग ले। हम सो राजा ना देखोगे। भगवान बोले, हम पे बाबा ना जो द्वारे द्वारे पे भीख मांगे, तूने हमने अगर मांगो और तूने ना दे पाओ तो जिंदा ना जाए वाले। तो राजा ने जवाब दो, सुनो महाराज, हम बेऊ राजा ना जो पीछे हट जाए। अरे बनवाई दू बाबा मंदिर आला, अरे प्यारे और ही ओढ़नी जो जब बात सुनी तो बोले हैं भगवान, ओरे राजा एक बात सुन ले। कहा, अगर तू देना चाहता है ना तो पहले दरवाजा भर दे। बोले महाराज, आप जो मांगोगे मैं पही दूंगा, पही दूंगा और पही दूंगा, मांग के देखो। तो बोले, सुन, देना है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। कितनी? 3.5 कदम। जो ये बात सुनी राजा ने सर से हाथ लगाओ, महाराज तुम्हें शर्म ना आती का? हमें प्रधान समझ लेते, जो सदस्य पे खड़े होते ना, सदस्य समझ लेते,
तो वो तो साढ़े तीन कदम पृथ्वी ना ही मांगते महाराज। हम ऐसे वैसे ना ही न ग्राम पंचायत सदस्य न जिला अध्यक्ष और न ही प्रधान है न प्रधानमंत्री है। ऐसो करो महाराज हम पूरे स्वर्ग लोक के राजा हैं, तीनों लोकों के राजा हैं। तुम्हें जब साढ़े तीन कदम पृथ्वी मांगवे में शर्मनाया रही कछु और मांग ले। भगवान बोले जितना मांगा है ना उतना ही दे दे, बहुत है। अरे बोले महाराज मांग के देखो, कहा मालूम ये बहुत बड़ा छलिया है। मेरे भैया जवाब दो कि और कुछ मांगो। बोले नहीं मुझे इतना ही चाहिए, अगर देना है तो दे वरना मैं तो चला। बोले अरे महाराज गुस्सा मत करो, आप ऐसा करो तीन चार गांव मांग लो। बोले नहीं साढ़े तीन कदम पृथ्वी। बोले तो आप बहुत छोटे हो, बावन अंगुल के हो, ऐसो करो हम नापे दे। भगवान बोले ओरे राजा मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं पूजा करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। तो बोले महाराज नाप लो और का बताएं। बोले ऐसे नहीं, फिर अब क्या रह गया। बोले अब रह गया संकल्प कर दे। जो संकल्प का नंबर आया प्यारे राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को देखो, भगवान ने राजा बलि की तरफ देख के बोले वो तो गुरु जी आए गए। शुक्राचार्य बोले ओरे राजा कौन है ये,